नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। बॉर्डर का ऑस्कर सीरीज का आखिरी और चौथा टेस्ट मैच कल से सिडनी में खेला जाना है। उससे पहले बीसीसीआई ने आज सुबह टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। 13 खिलाड़ियों का इसमें नाम शामिल है। तो सबसे पहले आपको बता देते वो कौन से वो 13 खिलाड़ी हैं जो सिडनी टेस्ट मैच के लिए चुने गए हैं। ये है विराट कोहली कैप्टन है, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, केदार यादव, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव। ये जो 13 नाम है ये चौथे टेस्ट मैच के लिए चुने गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उभर के आता है कि केएल राहुल का यहाँ पे नाम शामिल है। जी हाँ, रोहित शर्मा बाहर हो गए क्योंकि उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, जिसकी वजह से वो इंडिया वापस आ गए हैं और वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। दोबारा से 8 जनवरी को टीम ज्वाइन करेंगे ओडीआई खेलने के लिए। तो यहाँ पे केएल राहुल को मौका दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केएल राहुल को दोबारा से टीम में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दो जो टेस्ट मैच खेले गए एडिलेड और पर्थ में, उसमें केएल राहुल का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा है। हम आपको बता देते हैं कि एडिलेड में केएल राहुल ने पहली पारी में सिर्फ 2 रन बनाए थे। 2 रन बनाकर ये बल्लेबाज आउट हो गया था। हालांकि टीम इंडिया ये मैच जीत ली थी। दूसरी पारी में केएल राहुल का बल्ला थोड़ा सा चला, 44 रन बनाए। लेकिन जो इससे भी जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो रहा पर्थ में केएल राहुल का बल्ला ही नहीं चला। पहली पारी में 2 रन फिर से बनाए और दूसरी पारी में 0 पर आउट हो गए। अब ऐसे खिलाड़ी को मौका देना जो शुरुआत में ही अपना विकेट गंवा दे, रोक के उसको दोबारा से टीम में शामिल करना कितना सही होगा? क्या हनुमा विहारी से ओपनिंग नहीं कराया जा सकता? सिडनी पिच को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे स्पिन होगा, यहाँ पिच पे ड्राई पिच होगा, ग्रीन टॉप विकेट नहीं है, तो हमारे स्पिनर्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो हनुमा बिहारी और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करें, रविंद्र जडेजा पहले से टीम में शामिल है, आर अश्विन का इस लिस्ट में नाम है, तो आर अश्विन के साथ भी आप जा सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई ने लिखा है कि कल जब मैच शुरू होगा उससे पहले अगर वो फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से तब हम उनको वापस ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे केदार यादव, उमेश यादव के साथ भी जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा और उमेश यादव से आप बॉलिंग करवा सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं। लेकिन क्या केएल राहुल को मौका मिलना कितना सही है? क्योंकि फैंस भी बीसीसीआई का जो ट्वीट आया उसके बाद रीट्वीट करके लिख रहे हैं कि केएल राहुल को प्लीज़ टीम में जगह ना दी जाए। अब देखना होगा कि क्या केएल राहुल ओपनिंग करते हैं या हनुमा बिहारी ओपनिंग करते हैं, क्योंकि हनुमा बिहारी ने पहले टेस्ट मैच में भले ही कम रन बनाए हो लेकिन अगर उनका एवरेज देखे, जो उन्होंने गेंदे खेली है पहली पारी में उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 8 रन ही बना पाए लेकिन 66 गेंदों का सामना किया। और जो ओपनर्स का काम होता है कि नई गेंद को पुराना कर दिया, वो उन्होंने 19 ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने साझेदारी की और ये मायने रखता है, क्योंकि उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए, विराट कोहली आए, तो उन्होंने पिच भी स्लो था जिसकी वजह से रन्स नहीं बन पाए, ऐसा चेतेश्वर पुजारा ने भी बोला जब उनकी शतक पूरा हुई, तो बोला कि अब तक का उनका सबसे स्लो शतक रहा चेतेश्वर पुजारा का जो मेलबर्न में उन्होंने शतक लगाया है। तो पिच स्लो था इस वजह से रन नहीं बन पाया। दूसरी पारी में हनुमा विहारी ने 13 रनों की पारी खेली, वो पहली बार ओपनिंग कर रहे थे, तो एक फर्स्ट टाइम ओपनर से आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं कर सकते। वो 6 नंबर के बल्लेबाज है और 6 नंबर पे उनकी प्रदर्शन काबिले तारीफ है। जब रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे तब वहाँ पे अच्छी साझेदारी दिखाई थी। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं, क्या टीम इंडिया यहाँ पे 6 बल्लेबाज के साथ जाती है और 5 गेंदबाज के साथ जाती है, या यहाँ पे टीम इंडिया 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को यहाँ पे 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए। टीम इंडिया को यहाँ पे 6-5 के कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए। आपको 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए। अश्विन अगर फिट हो जाते तो आप अश्विन को लेके आओ और रविंद्र जडेजा आपके हैं ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम में भी इस बार नाथन लायन के अलावा एक और जो स्पिनर है जिसकी बात चल रही है कि वो टीम में शामिल हो सकता है, मार्लोस लबुशांगने की तीसरे टेस्ट मैच में जैसी हार मिली ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद उनकी वापसी हो गई है। तो और उन्होंने कल प्रैक्टिस मैच भी खेला नेट पे प्रैक्टिस किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि लबुशांगने की टीम में वापसी होगी, चौथे टेस्ट मैच वो खेलेंगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है तो टीम इंडिया को भी इसी में समझदारी है कि वो भी 2 स्पिनर्स के साथ खेले। तो अब देखना होगा कि कौन सा वो खिलाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कौन करता है, क्या हनुमा बिहारी को फिर से 6 नंबर पे भेज दिया जाएगा, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, या हनुमा बिहारी अभी भी ओपनिंग करते नजर आएंगे मयंक अग्रवाल के साथ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल कल ही स्पष्ट हो पाएगा, इसका जवाब मिलेगा कि कौन सा वो खिलाड़ी है और टीम इंडिया की कौन से वो खिलाड़ी हैं जो टॉप 11 में शामिल होते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और कौन से खिलाड़ी को ओपनिंग करने चाहिए ये भी हमें लिख कर बताएं, और आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।